गुड मॉर्निंग क्लास 10th। विषय हिंदी साहित्य के अंतर्गत अनुच्छेद लेखन और पांचवें नंबर का अनुच्छेद है हिंदी साहित्य के अंतर्गत लेखन अभिव्यक्ति के अंतर्गत। शीर्षक जो आज का है, जिस शीर्षक को मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, वह शीर्षक है समाचार पत्र समाज का। बिल्कुल सही कहा, इस शीर्षक की सार्थकता है। समाचार पत्र आज के युग में चौथा स्तंभ है समाज के। समाचार पत्रों से हमें बहुत सारी ऐसी जानकारियां मिलती हैं जिनसे हम वंचित रह जाते हैं, जो जानकारियां हम तक नहीं आ पाती हैं, वे सारी जानकारियां समाचार पत्रों के माध्यम से हमें। समाचार पत्रों की आज के युग में बहुत ही अत्यधिक आवश्यकता है। समाचार पत्रों के माध्यम से हम अपने आप को दूसरों से जुड़ा, विश्व से जुड़ा, अपने स्वयं के देश से जुड़ा महसूस करते हैं। समाचार पत्र यदि नहीं हो तो हम अपने आप को विश्व और देश से जुड़ा नहीं मान सकते। ये समाचार पत्रों की देन है कि हमें सारी जानकारियां विश्व लेवल की प्राप्त हो जाती हैं। तो समाचार पत्र जैसा है, मैं आपको क्रमशः वर्णन करते जाऊंगा, आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। लिसन केयरफुली, ओके, सुनिए। समाचार पत्र समाज का आईना होते हैं, बिल्कुल सही बात करिए। समाचार पत्र जो होते हैं, न्यूज़पेपर्स जो होते हैं, वे हमारे लिए एक आईना का काम करते हैं, समाज के लिए आईना का काम करते हैं। आईना कहें तो दर्पण, जिसको हम अंग्रेजी में मिरर कहते हैं, अर्थात शीशा कहते हैं जिसको हम, उसका काम करते हैं समाज के लिए एक दर्पण। जिस प्रकार हम अपने मुखार बिंदु को मुख को शीशे में देखकर महसूस करते हैं, उसी प्रकार समाज का सबसे बड़ा दर्पण है जो समाज को आलोकित करता है, हर एक खबर को बताता है समाज को। सामाजिक प्राणी होने के कारण मनुष्य आसपास की घटनाओं एवं सूचनाओं की जानकारी प्राप्त करना चाहता है। मनुष्य की इस इच्छा की पूर्ति समाचार पत्र करते हैं। और मनुष्य अपने आसपास की घटनाएं, देश की घटनाएं, विश्व की घटनाएं, विश्व में हो रही नए नए परिवर्तन, देश में हो रहे नए नए परिवर्तन, नई नई योजनाएं, नए नए स्कूल विद्यालयों के बारे में, फैक्ट्रियों के बारे में, कंपनियों के बारे में, नई नई चीजों के बारे में यदि जानकारी हासिल करना चाहता है तो वह सब कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त करता है। वर्तमान काल में समाचार पत्र मनुष्य के जीवन का अभिन्न अंग बन गया है और समाचार पत्र आज के युग में मनुष्य के लिए उसके जीवन का एक अभिन्न अंग, अतः भिन्न न होने वाला ऐसा अंग, अभिन्न अंग बन गया है जिसके बिना वो चल नहीं सकता है। यह एक ऐसी कड़ी है जो हमें पूरे विश्व से जोड़ती है। और वास्तविक सही बात है, समाचार पत्र रूपी जो एक कड़ी है वो हमें संपूर्ण विश्व से जोड़ के रखती है। हमें संपूर्ण विश्व की जानकारी हासिल हमें घर बैठे ही समाचार पत्रों के माध्यम से हो जाती है। समाचार पत्र हर शिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता बन गए हैं और जितने भी हमारे देश में, विश्व में जितने भी शिक्षित लोग हैं, उनके लिए आवश्यकता के रूप में समाचार पत्र बन गए हैं। समाचार पत्र लोकतंत्र के सच्चे प्रहरी होते हैं, अर्थात समाचार पत्र जो होते हैं, जो हमारा लोकतंत्र होता है, भारत का संविधान होता है, जो देश विदेशों का संविधान होता है, उसका समाचार पत्र प्रहरी का काम करते हैं। अर्थात जिस प्रकार रक्षक होते हैं, जिस प्रकार रक्षा करते हैं घर की, जिस प्रकार रक्षा प्रहरी करते हैं, अर्थात वफादार लोग करते हैं जिस प्रकार रक्षा, उसी प्रकार हमारे संविधान की, हमारे लोकतंत्र की जो रक्षा करते हैं वो समाचार पत्र ही करते हैं।
समाचार पत्र जनमत बनाने का कार्य करते हैं, सभी लोगों की मानसिकता एक हो, सभी लोग एक हो, सबकी रहन सहन वेशभूषा में कोई किसी प्रकार का भेद ना हो, हमें एक दूसरे से मिलाने का काम समाचार पत्र ही करते हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से हम एक दूसरे से मिलते हैं। उनमें युग परिवर्तन एवं सत्ता परिवर्तन की अपार शक्ति होती है, और जो समाचार पत्र होते हैं उनमें युग परिवर्तन तथा सत्ता परिवर्तन की अपार शक्ति होती है। वो किसी भी सत्ता को कभी भी किसी भी वक्त पलटने की शक्ति भी रखते हैं। अर्थात जो सत्ता गलत कार्य करती है, खराब कार्य करती है, जनहित के लिए कोई कार्य नहीं करती है, तो वो इस प्रकार की सत्ता को उखाड़ने का काम भी करते हैं, अर्थात हटाने का काम भी करते हैं। समाचार पत्र एक बहुत ही बहुमूल्य, आज के युग में समाज के लिए, व्यक्ति के लिए अत्यधिक आवश्यकता का एक स्रोत बन गई है। ये जनता की आवाज को शक्ति प्रदान करते हैं, और समाचार पत्रों के माध्यम से लोग अपनी आवाजों को बुलंद करते हैं, अपनी सच्चाई को बुलंद करने का काम करते हैं, अपने न्याय को बुलंद करने का काम करते हैं। आपने देखा होगा यहां कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई गलत कार्य होता है, चोरी डकैती होती है, या कोई भी किसी भी प्रकार की लूटपाट होती है, क्राइम जितने भी होते हैं, वो व्यक्ति अपनी बात को समाचार माध्यम से ही, समाचार पत्र के माध्यम से ही प्रस्तुत करता है। चाहे वो किसी भी प्रकार की बात हो, चाहे उनकी मान हानि की बात हो, चाहे जन हानि की बात हो, वो समाचार पत्रों के माध्यम से इन सारी समस्याओं का निराकरण करता है और प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाता है। प्रत्येक खबर को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य करते हैं समाचार पत्र। सरकार के लोकप्रिय जनविरोधी कार्यों का पता इन्हीं से चलता है, और सरकार के जो लोकप्रिय कार्य होते हैं, अर्थात लोगों के लिए जो प्रिय कार्य करती है सरकार, और लोगों के विरोधी जो कार्य करती है, इन दोनों चीजों का हमें पता समाचार पत्रों से ही पता लगता है। यदि समाचार पत्र नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। समाचार पत्र अपनी उपयोगिता के कारण तेजी से लोगों के बीच लोकप्रिय हुए हैं, और समाचार पत्र अपनी उपयोगिता, अपनी मूल्यता, अपनी बहुमूल्यता के कारण लोगों के दिलों में जगह बना ली है। समाचार पत्रों ने लोगों के हृदय और आत्मा में जगह बना ली है। आज लोग उपयोगिता की दृष्टि से, अर्थात उनका उपयोग है, इसलिए उसने जब व्यक्ति का कोई उपयोग होता है तो वो लोगों के हृदय में अपनी जगह बना लेता है। उसी प्रकार जो समाचार पत्र होते हैं, उन समाचार पत्रों ने अपनी सत्यता और न्यायप्रियता और उपयोगिता के कारण जगह बना ली है समाचार पत्रों ने। समाचार पत्र ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ मनोरंजन का भी साधन है, और समाचार पत्र के बारे में कहा गया है कि समाचार पत्र ज्ञान तो देते ही हैं, हमें एक दूसरे से जोड़ने का काम भी करते हैं, हमारी समस्याओं को उजागर करने का कारण भी बनते हैं, उसके साथ में हमें मनोरंजन भी प्राप्त कराते हैं। समाचार पत्र ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ मनोरंजन का भी साधन है। समाचार पत्र में छपी देश विदेश की खबरें, सरकारी विज्ञापन, फिल्मी दुनिया की चटपटी खबरें, ज्ञानवर्धक लेख, बच्चों का कोना, चुटकुले, खाना खजाना आदि लोगों का ज्ञानवर्धन करते हैं। तो इस प्रकार के समाचार पत्र ज्ञान के साथ साथ में हमें मनोरंजन का भी काम करते हैं, अर्थात मनोरंजन देने का भी काम करते हैं। जैसे उसमें अच्छे अच्छे बच्चों के चुटकुले, हमारे कविताएं, सुंदर सुंदर हिंदी की कविताएं, बहुत सुंदर सुंदर लेख, बहुत चटपटे विज्ञापन, जिनसे हमारा हृदय प्रफुल्लित हो उठता है, प्रसन्नचित हो उठता है। तो समाचार पत्र ज्ञान तो देते ही हैं, ज्ञान के साथ में हमें मनोरंजन का भी देने का काम करते हैं। घर बैठे ही पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है। समाचार पत्र द्वारा हम महापुरुषों के कार्यों, आदर्शों तथा जीवन मूल्यों से परिचित होते हैं, और समाचार पत्र वो चीज है जिनके माध्यम से हम अपने देश के महान पुरुष, वीर पुरुष, महान योद्धा, महान नेता, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोगों के, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, चंद्रशेखर आजाद,
सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बिस्मिल्लाह खान जैसे लोगों से परिचित हो जाते हैं, उनके महान आदर्शों से परिचित हो जाते हैं, उनके महान विचारों से परिचित हो जाते हैं। वो ये सारी चीजें प्राप्त कराने में सबसे अधिक सार्थकता है तो वो समाचार पत्रों की है। यदि समाचार पत्र नहीं होते तो उनके दैनिक जीवन काल के बारे में, दैनिक विचारों के बारे में और उनके आदर्शों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त नहीं होती। ये समाचार पत्र ही होते हैं जिनमें हम महापुरुषों के बारे में जानते हैं। यह ज्ञान प्राप्ति और मनोरंजन का सस्ता साधन है और ऐसा कहा जा रहा है कि जो समाचार पत्र हैं वो ज्ञान प्राप्ति और मनोरंजन का सबसे सस्ता साधन है। बिल्कुल सही कहा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि मात्र 3-4, 4.5 रुपए के समाचार पत्र के माध्यम से आप न जाने कितना ज्ञान प्राप्त करते हो, ज्ञान के साथ साथ न जाने कितना मनोरंजन प्राप्त करते हो, न जाने कितनी जानकारियां, ऐतिहासिक जानकारियां, घटनाएं आप प्राप्त करते हो। सबसे सस्ता जो कागज है वो समाचार पत्र है, जिसमें न जाने कितनी बहुत सारी जानकारियां होती है, जिससे आप अपने जीवन को सार्थक युक्त बनाते हो, अपने जीवन को ज्ञानवान बनाते हो, अपने जीवन को तरह तरह के विषयों से जोड़ने का कार्य करते हो इन समाचारों के माध्यम से, जिसकी मूल्य जो है बहुत ही सस्ता मूल्य है। अर्थात सस्ते से सस्ते मूल्य में अधिक से अधिक जानकारियां आप प्राप्त करते हो समाचार के माध्यम से। नई नई कहानियां, लेख, हास्य, व्यंग्य, कार्टून आदि साहित्य समाचार पत्र में ही प्रकाशित होता रहता है, जो मनोरंजन के काम आता है। खबर चाहे कृषि विभाग की हो या सिनेमा जगत की हो, उनकी पूरी जानकारी समाचार पत्र से ही प्राप्त हो जाती है। अधिकांश समाचार पत्र दैनिक होते हैं, आपने देखा होगा कुछ समाचार पत्र ऐसे होते हैं जो दैनिक होते हैं, अर्थात दैनिक जीवन में डेली निकलने वाले समाचार पत्र होते हैं। कुछ साप्ताहिक होते हैं, कुछ मासिक होते हैं, लेकिन कुछ जो दैनिक होते हैं उनसे आपको नए नए जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, आपको कार्टून से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, आपको चुटकुले प्राप्त होते हैं, आपको कविताएँ प्राप्त होती हैं, आपको देश विदेश की खबरें प्राप्त होती हैं, आपको विश्व की जानकारी प्राप्त होती है, बहुत सारी आपको दैनिक जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। अधिकांश समाचार पत्र दैनिक होते हैं तो ताज़ा जानकारी लोगों तक पहुँचती है। समाचार पत्र मानव जीवन के लिए जहाँ वरदान है, वहीं कभी कभी इनका नकारात्मक पक्ष भी देखने को मिलता है। और जैसे कि आपने देखा होगा, जितनी इसकी उपयोगिता है समाचार पत्रों की, जितना वरदान के रूप में हमें समाचार पत्र प्राप्त हैं, उतना ही कुछ एक इनसे हानियां भी कभी कभी देखने को मिलती हैं। वो किस प्रकार की हानियां देखने को मिलती हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। कभी कभी नकारात्मक पक्ष भी देखने को मिलता है। वो कैसे? कुछ समाचार पत्र अपनी संकुचित विचारधारा और बिक्री बढ़ाने के लालच, टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में, कुछ समाचार पत्र, कुछ न्यूज ऐसे होते हैं अपने आप की टीआरपी बढ़ाने के संदर्भ में वो गलत खबरें निकालते हैं, अर्थात अन्यायप्रिय, अर्थात अन्याय वाली खबरें, असत्यता वाली खबरें और अश्लील खबरें, अश्लील चित्र, अश्लील कार्टून दिखाते हैं, जैसे कि उनकी उपयोगिता या और बड़े, उनकी टीआरपी बढ़े, लोग उन्हें ज्यादा देखें। अब लोग को तो ज्यादा देखने लग जाते हैं, लेकिन उससे हानि हमारे देश को ही होती है, विश्व पटल पर यह हानिकारी होती है। तो कहने का तात्पर्य, हाँ, समाचार पत्र वरदान का काम भी करते हैं, इनका कभी कभी हमें नकारात्मक पक्ष अर्थात नेगेटिव पॉइंट भी देखने को प्राप्त होता है। जैसा कि मैंने कहा कि अपनी बिक्री बढ़ाने हेतु कभी कभी लालच के माध्यम में वो झूठी खबरें प्रकाशित कर देते हैं। असली खबरों, चित्रों, राजनीतिक दबाव के कारण समाचार पत्र अपना नकारात्मक रूप भी प्रस्तुत कर देते हैं और कुछ राजनीतिक दलों के प्रेशर के कारण, उनके दबाव के कारण कभी कभी वो अपनी सत्यता को छोड़कर असत्यता को प्रकाशित कर देते हैं, अश्लीलता को प्रकाशित कर देते हैं, अश्लील चित्रों को प्रकाशित कर देते हैं, अश्लील बातों को प्रकाशित करते हैं, अर्थात
एक पक्ष को ज्यादा दिखाते हैं, जो गलत पक्ष होता है उसको अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, जो अच्छा पक्ष होता है उसको गलत दिखाने की कोशिश करते हैं, तो यह रूप हमें समाचार पत्र का नकारात्मक रूप देखने को प्राप्त होता है। जो सरासर गलत एवं अशोभनीय है, संपादक को निष्पक्ष रूप से तटस्थ रहकर अपना कार्य करना चाहिए, और संपादक को निष्पक्ष रूप से तटस्थ रहकर अर्थात सत्य के समीप रहकर ही यह प्रकाशित करना चाहिए, क्योंकि दुनिया का यह चौथा स्तंभ माना जाता है, यह लोकतंत्र का प्रहरी का कार्य करता है, लोकतंत्र की रक्षा करने का काम करता है। कभी भी न्यूज़पेपर या न्यूज वाले को कभी भी गलत खबरें नहीं दिखानी चाहिए, जो वास्तविक सत्य है उसको ही प्रकाशित करना चाहिए, उसको ही कहना चाहिए। किसी भी उन पर अपने आप पर वो किसी भी दबंग व्यक्ति का, नेता व्यक्ति का या किसी पैसे वाले व्यक्ति का उस अपने आप पर दबाव न मानकर उस सत्यता को दिखाना चाहिए, क्योंकि आज विश्वास यदि है लोकतंत्र को, इस देश में रहने वाले लोगों को, इस विश्व में रहने वाले लोगों को विश्वास है, या तो न्यूज़पेपर पे विश्वास है या जो खबरें हमारे चैनल आते हैं न्यूज़ के चैनल उन पर विश्वास है, तो इन दोनों पर जब विश्वास व्यक्ति का होता है तो वो विश्वास जैसा आप कहेंगे वैसा मानेंगे। इसलिए आपको असत्य चीजों को दिखाना नहीं चाहिए, असत्य बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि आप पर विश्वास है, क्योंकि आप असत्य बोलेंगे, गलत दिखाएंगे तो उन चीजों पर लोग विश्वास करने लग जाएंगे, और विश्वास के माध्यम से त्राही त्राही मच जाएगी, हमारा देश गड्ढे में चला जाएगा, और देश ही नहीं पूरा विश्व गड्ढे में चला जाएगा, हमारा पूरा विश्व समूल नष्ट हो जाएगा। इसलिए न्यूज़पेपर और न्यूज को गलत खबरें नहीं दिखानी चाहिए, ऐसा समाचार पत्र का कार्य होना चाहिए। संपादक को निष्पक्ष रूप से तटस्थ रहकर अपना कार्य करना चाहिए। समाचार पत्र जनता का विश्वास है, इस विश्वास पर आंच नहीं आने देनी चाहिए, और जो लोगों पर आपके प्रति विश्वास है, समाचार पत्र के प्रति विश्वास है, उस पर किसी प्रकार की आंच न आए, ऐसा कार्य करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की रक्षा करने में, इस संसार की रक्षा करने में, लोगों को अच्छी जानकारी देने में, विश्व का अच्छे रूप से समन्वय रूप से विकास करने में सबसे अधिक भूमिका यदि निभाते हैं तो वो समाचार पत्र निभाते हैं। समाचार पत्र एंड न्यूज जो आते हैं वह ये दोनों ही इस भारत के ही नहीं इस विश्व के लोग चौथे स्तंभ का काम करते हैं। इसलिए कभी भी समाचार पत्र को कोई बात गलत नहीं दिखानी चाहिए। तो इस प्रकार यह समाचार पत्र समाज का किस प्रकार दर्पण है वो मैंने आपको बता दिया, आपके सामने मैंने बात प्रस्तुत कर दी कि वास्तविक समाज का दर्पण होता है समाचार पत्र, समाज के लिए एक मिरर का काम करता है, एक शीशे का काम करता है, एक जिस प्रकार हम आईने में अपनी सूरत देखते हैं उसी प्रकार पूरे विश्व की खबरें हम समाचार पत्रों में पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जान लेते हैं, ऐतिहासिक युद्धों के बारे में हमें जानकारी हो जाती है, महान योद्धाओं के बारे में जानकारी हो जाती है, महान पुरुषों के बारे में जानकारी हो जाती है, और हमें अच्छी अच्छी चीजों की प्राप्ति हो जाती है, हम इन समाचार पत्रों के माध्यम से विवेक युक्त हो जाते हैं। तो यह समाचार पत्रों की यह भूमिका है, और वास्तविक यह जो शीर्षक है कि समाचार पत्र समाज का दर्पण होता है, यह शीर्षक बिल्कुल सार्थक है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, यह सही बात है कि समाचार पत्र समाज का दर्पण होता है। थैंक यू क्लास और लवेस मे गॉड ब्लेस यू। यहां तक आपको इस अनुच्छेद में मेरे द्वारा वर्णन किए गए अनुच्छेद में यदि कोई तकलीफ हुई आपको समझने में तो सहर्ष आप कभी भी किसी भी वक्त पूछ सकते हो। थैंक यू और द रेस्ट मे गॉड ब्लेस यू।